हेलो फ्रेंड्स, मैं उगीता और मेरे चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूँ राजस्थानी कच्ची हल्दी और मटर की सब्जी। ये सर्दियों की स्पेशल सब्जी है, तो आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। हल्दी मटर की सब्जी बनाने के लिए यहाँ मैंने आधा किलो कच्ची वाली हल्दी ले लिए है। हल्दी को अच्छे से छील लिया है, छिलके हटा लिए हैं और इसको मैंने पानी के अंदर डाल के रखा है ताकि ये काली ना हो। साथ में मैंने पाव भर दही ले लिया है, ये खट्टा दही नहीं है, एकदम फ्रेश दही है। साथ में 3 टमाटर 2 प्याज 4-5 हरी मिर्च 8-10 लहसुन की कलियाँ और पाव भर मटर ले लिए हैं। साथ में मैंने थोड़ी सी काजू और किशमिश भी ली है। सूखे मसालों में हमने मिर्ची पाउडर, धनिया पाउडर, नमक और जीरा ले लिया है। तो सबसे पहले हम एक मिक्सी का जार ले लेंगे और इसके अंदर हम प्याज, टमाटर और मिर्ची वगैरह सब डाल के इसका एक पेस्ट बना लेंगे। तो ये लीजिए, हमने सारी चीज़ों को पीस लिया है। इसको थोड़ा दरदरा ही पीसना है, एकदम बारीक नहीं करना है। पेस्ट हमारा तैयार है, तो अभी हम हल्दी को कद्दूकस कर लेते हैं। इसमें हम जो सबसे छोटा वाला या बीच वाला जो होता है कद्दूकस वाला, उससे हम कद्दूकस करेंगे। हल्दी को हमें लास्ट में ही कद्दूकस करना है। पहले करके रख देते हैं तो काली पड़ जाती है, इसलिए सारा काम कंप्लीट करके हमें लास्ट में हल्दी को कद्दूकस कर लेना है। तो ये देखिए, हमने सारी हल्दी को कद्दूकस कर लिया है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। यहाँ मैंने एक कढ़ाई ले ली है और उसके अंदर 3 से 4 चम्मच घी डाल दूँगी मैं। आप घी की जगह तेल भी ले सकते हैं। घी थोड़ा सा गर्म हो जाए तभी उसमें मैं 1/2 छोटा चम्मच हींग डाल दूंगी। हींग थोड़ी सी चटक जाए तभी हम इसमें ये कद्दूकस की हुई हल्दी डाल देंगे और हल्दी को हम अच्छे से फ्राई करेंगे। हल्दी को सेकना बहुत अच्छे से होता है ताकि ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगे, इसका कच्चापन नहीं आना चाहिए हमें। ये अच्छे से सीखेगी तो इसका सारा कच्चापन निकल जाएगा और ये अच्छे से पक के तैयार हो जाएगी। तो हमें लगातार चलाते हुए इसे अच्छे से सेक लेना है और इस स्टेज पे यदि आपको घी कम लगे तो आप और ऐड कर सकते हैं, लेकिन जब हल्दी सीख जाती है अच्छे से तो ये घी छोड़ने लगती है, इसलिए हमें ज़्यादा घी की ज़रूरत नहीं होती है। मैं थोड़ा थोड़ा करके घी ऊपर से और डालूँगी इसमें। यहाँ मैंने लहसुन लिया था, उसको भी कूट लिया है और ये हमें हल्दी अच्छे से सीख जाने के बाद ऐड करना है ताकि ये भी थोड़ा सा अच्छे से अंदर पक जाए। तो हल्दी हमारी अच्छे से सीख चुकी है, तो इसमें हम डाल देंगे ये पीसा हुआ मसाला जो हमने टमाटर, मिर्च, प्याज सब पीस के रखे थे। आप चाहे तो इनको ऐसे काट के भी डाल सकते हैं, बारीक बारीक काट के भी डाल सकते हैं या पीस के भी डाल सकते हैं, जैसी आपकी इच्छा। सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसको भी अच्छे से पकाएंगे। ये मसाला डालने के बाद भी हमें अच्छे से पकाते जाना है, इसको कच्चा नहीं रहना चाहिए कोई भी मसाला। तो ये देखिए, मसाला अच्छे से पक गया है, इसे घी है जो अलग होने लग गया है। तो अब हम इसमें डाल देंगे थोड़ा सा और घी। ये मैं तीसरी बार घी डाल रही हूँ इसके अंदर। 1/2 किलो हल्दी में लगभग मैंने 350 ग्राम के आसपास घी डाला है। अभी सूखे मसाले डाल देते हैं। तो 1 चम्मच पीसी हुई लाल मिर्च, 1/2 चम्मच मैंने नमक डाल दिया है, 1 चम्मच धनिया पाउडर और 1/2 चम्मच और डाल देती हूँ। हल्दी का पाउडर हम इसमें नहीं ऐड करेंगे। सारे मसालों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यदि आप ज़्यादा तरी वाली सब्जी खाना पसंद करते हैं तो आप 1/2 किलो हल्दी के अंदर 1/2 किलो घी भी डाल सकते हैं, लेकिन फिर वो अच्छा नहीं लगता है। अभी हम इसमें ऐड कर देते हैं मटर। मटर की क्वांटिटी आप बढ़ा सकते हैं, यदि आप 1/2 किलो हल्दी के अंदर 1/2 किलो मटर भी डाल सकते हैं, लेकिन फिर वो मटर का ही टेस्ट आएगा, हल्दी का टेस्ट नहीं आएगा, इसलिए मैंने 1/2 किलो में पाव मटर लिए हैं। तो देखिए सब्जी कितनी अच्छे से पक गई है, इसने घी पूरा अलग कर दिया है, मटर भी थोड़े सॉफ्ट हो गए हैं। तो अभी इसमें ड्राई फ्रूट डाल देते हैं, ये काजू और किशमिश अच्छे से धो लिए इनको।
सर्दियों की स्पेशल ये सब्ज़ी खाने में बहुत ही अच्छी लगती है। और इसकी खासियत है कि हम इसमें पानी नहीं डालते हैं, तो इसको हम 4-5 दिन के लिए स्टोर करके भी रख सकते हैं फ्रिज में और इसे खा सकते हैं। अभी मैंने इसमें डाल दिया है 1/2 दही। आप दही भी थोड़ा ज़्यादा ऐड कर सकते हैं या कम, आपकी इच्छा के अनुसार। दही डालने के बाद हमें लगातार इसे चलाते रहना है, छोड़ना नहीं है। इसे दही है जो फटेगा नहीं और सब्ज़ी बहुत ही अच्छी बनेगी। तो देखिए, दही डालने के बाद हमने इसे लगातार चलाया है और कैसे मसालों से घी अलग हो गया है, बहुत ही अच्छी खुशबू भी आ रही है पकने की। लास्ट में हम डाल देते हैं इसमें हरे धनिए, धो के अच्छे से बारीक काट लिए हैं। तो लीजिए, ये हमारी हल्दी की सब्जी बनकर तैयार है, बहुत ही अच्छी बनी है। इसको आप गेहूं की रोटी, बाजरे की रोटी या पराठा किसी के साथ सर्व करें, बहुत ही अच्छी लगती है। तो अभी हम सर्व कर लेते हैं एक बर्तन के अंदर। तो हल्दी की सब्जी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, जब तक के लिए बाय बाय।